कल दिल्ली में 3,235 पॉजिटिव केस आए और 7,606 लोग रिकवर किए, 95 डेथ थी। तो अभी दिल्ली के अंदर जो हमारे पास बेड्स की पोजीशन है 8,700 बेड ऑक्यूपाइड हैं और लगभग 7,900 बेड्स अवेलेबल हैं। क्या लॉकडाउन की तैयारी एक बार अचानक से सरकार, मुझे नहीं लगता, बहुत सारे मैसेजेस, मुझे नहीं लगता। देखो, लॉकडाउन करने के बाद जब लॉकडाउन किया गया था वो देट वॉज ए लर्निंग एक्सरसाइज। उस लॉकडाउन से जो भी सीख मिली इतने महीनों के बाद, ये सीख मिली कि भाई जो लॉकडाउन से आपको बेनिफिट लेना है वो तो मास्क के भी ले सकते हैं आप। लॉकडाउन के बावजूद भी जिस टाइम लॉकडाउन किया गया कुछ 100 केस पूरे देश में थे, जब लॉकडाउन खत्म हुआ तो हजारों में पहुंच गए। आज वो उतने केस जितने की लॉकडाउन पूरे उससे ज्यादा एक दिन में आ जाते हैं। तो लॉकडाउन करने से इसको कंटेन किया जा सकता है, मुझे नहीं लगता। वजह इसकी साइंटिफिक है या इस तरह से लगा साइंटिफिक लॉस हुआ है इस वजह से आप लॉकडाउन अफोर्ड नहीं कर? देखिएगा, साइंटिफिक बता रहा हूं मैं आपको, ये जो वायरस है इस वायरस को रोकने के लिए आपको, देखो सबसे कम पॉजिटिविटी कहां पर है? जो कोविड हॉस्पिटल है, कोविड हॉस्पिटल के स्टाफ मेंबर्स को सबसे कम पॉजिटिविटी आ रही। क्यों आ रही है? क्योंकि वो प्रोटेक्शन ले रहे हैं। जो सबसे ज्यादा खतरनाक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं उनको सबसे कम पॉजिटिविटी, क्योंकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप भी प्रोटेक्ट कर लीजिएगा तो प्रोटेक्शन इज सफिशिएंट। आप लॉकडाउन के बावजूद भी घर से कोई ना कोई तो निकल रहा है, अगर वो घर में वायरस लेके आ गया तो सबको हो सकता है।